में दिया है कि एक कॉर्ड है जिसका दूरी सेंटर से एक यूनिट है, कॉर्ड का लेंथ दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है ना, मान लीजिए सर्कल है, ये हो गया कॉर्ड का मतलब जीवा, सेंटर से इसका दूरी कितना है, एक। ए बी का लंबाई है के स्क्वायर साइन पाई बाई फोर, साइन पाई बाई फोर कितना होता है, 1/√2, तो ये हो गया के स्क्वायर बाई रूट टू। इस पॉइंट का नाम इम रख लेते हैं। इसका जो रेडियस है ना आर, आर का वैल्यू दिया है माइनस के साइन पाई बाई थ्री, तो आ जाएगा -√3 k/2। अच्छा ऑप्शन में अगर देखेंगे तो -2, 4, 3 और 2 दिया है, तो सीधे का सीधे हम टिक कर देंगे कि आंसर आएगा ए। अब बोलोगे ऐसा क्यों, क्योंकि रेडियस कभी निगेटिव नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन है जिसमें के का वैल्यू क्या है, निगेटिव। लेकिन अगर आपको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, देखिए हमें पता है कि जो है आर स्क्वायर का वैल्यू होगा वह यहाँ से आप ओ एम स्क्वायर और ए एम स्क्वायर के बराबर होगा। ए बी का वैल्यू इतना है ना, ए एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, के स्क्वायर बाई 2√2, इसका हाफ होगा। आर का मतलब √3 k/2, स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3 k² बाई 4, इसका वैल्यू होगा 1, जो के स्क्वायर बाई 2√2 का स्क्वायर करना होगा, तो आ जाएगा के का पावर 4, 4 × 8। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि के का पावर 4 − 6 k² + 8 = 0, तो के स्क्वायर माइनस 4 आएगा और यहाँ से आएगा के स्क्वायर −2 = 0। तो के का क्या क्या वैल्यू आ रहा है, यहाँ से अगर आप देखेंगे के स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा और एक आ जाएगा 2, तो के का वैल्यू क्या आएगा, +−2 + −√2। लेकिन हमें पता है कि ये माइनस दिया हुआ है ना, ठीक, माइनस देने के कारण माइनस के का केवल निगेटिव वैल्यू लेना होगा, तो के का वैल्यू 2 होगा या √2 होगा। अभी देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया हुआ था −2, 4, 3, 2, इसलिए −2 हम सिलेक्ट कर लिया, सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। तो हमने सीधे पहले गेस किया था कि यही आएगा, क्यों, क्योंकि और कोई निगेटिव में दिया हुआ ही नहीं है, तो पूरा कैलकुलेशन क्यों करेंगे।